परिवार बात तो आपके आरजेडी में है, आरजेडी कांग्रेस में है। आज ही का रिसेंट न्यूज बता रहे ना आप, एक एमएल गया जो, क्यों गया? वो समझ रहा आने वाला समय में आरजेडी का कहानी खत्म है। जिनका परिवार ही नहीं हो, परिवार बात कहाँ से करेंगे? तो आप क्या जिनका अपना परिवार चलाने का नहीं, जिनका परिवार जिनको नहीं चला देश को क्या चलाएंगे? ये तो देखिए उल्टा जवाब हो गया। इनका भड़ास है, भड़ास नहीं, भड़ास निकालने का नहीं रखता। विदेश जाकर करके आदमी घूमता टहलता है, क्या करेगा? आपका गुस्सा बोल रहा है, गुस्सा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बिहार के लिए क्या किया हमको ही बता दीजिए। अरे आप बताइए बिहार के लिए क्या किया? वो क्यों करे? वो केंद्र सरकार है। आपका लालू जी क्या किया? नीतीश कुमार क्या किया? ईडी जांच कराई, कराए वो कराए, आपको घर में बैठने के लिए दीजिएगा। तो सवाल तो जवाब होवे करेगा सर। चोरी चोरी, चोरी कौन, कौन करेगा? कौन चोरी किया? जो सत्ता में बैठेगा वही नहीं करेगा जी। आज केजरीवाल गड़बड़ के लिए चार बार आठ बार गया समन, क्यों नहीं जाता? कहता हमको हटकड़ी मारेगा डर के मारे। अरे हम चोर नहीं रहेंगे। गड़बड़ किया है आप जान रहे की लालू यादव ने किया है, नीतीश कुमार ने किया, कौन ने किया? आप कैसे बोल रहे हैं? किस तत्व बोल रहे हैं? हम लोग सुना सुनी नहीं करते, गलत बात है। हम लोग सुना सुनी बात कर रहे हैं, आप निजी बात करते हैं। निजी नहीं, सुना सुनी बात कीजिए, सच बात कीजिए। हमको कह रहा है अगर सब कह रहा है चारा घोटाला, तो कुछ तो सच होगा, तब तो हल्ला हो रहा है। वो जेल भी खटे क्यों फोकट में? सुनिए सर, सुनिए, इतना पावर नहीं है। जो विधायक पाला बता, उसमें कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं? कार्रवाई होनी चाहिए, मगर उसका आजाद है, वो भी लोकतंत्र का एक हिस्सा है, उसका मन है। यहाँ पे सत्ता नहीं चल रहा है, यहाँ पैसा का खेला हो रहा है। सरकार किसी की भी चले, बस एओ को चाहिए कुर्सी, चाहे वो आ जाए चाहे वो आ जाए, हमको कुर्सी से प्यार है, हमको कुर्सी बचाना है अपना। एजेड परसेंट लोग कर क्या रहे हैं? या तो अपने जात को वोट दे रहे हैं, और नहीं तो जाके किसी न किसी एक में पैसा मिल गया, कुछ मिल गया, तो उसमें यूथ को अब डिसाइड करना होगा कि बिहार का दिशा और दशा कहाँ ले जाना है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका लाइव बिहार में, मैं हूँ आपके साथ संजीव सिंह। बिहार में एनडीए की सरकार बनने के बाद महागठबंधन के जो तमाम विधायक हैं वो एक एक करके अब पाला बदलने लगे हैं। पहले तीन विधायक आरजेडी के एनडीए में शामिल हो जाते हैं, इसके बाद फिर एक, और आज फिर से एक विधायक जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लेते हैं। आज हम आम पब्लिक से बात करेंगे, जो वोट दे करके विधायक को बनाते हैं, विधायक जिस पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़ते हैं, बाद में उसी पार्टी से अलग होकर के दूसरी पार्टी का दामन थाम लेते हैं। क्या जनता फिर से वैसे विधायक को मौका देगी? क्या जनता वैसे विधायक को पसंद करेगी? तमाम मुद्दे पर आज बात करेंगे आम जनता से कि उनकी क्या राय है। सदस्यता ऐसे ऐसे का रद्द हो जाना चाहिए, सदस्यता रद्द होना चाहिए जी, एकदम रद्द होना चाहिए। कोर्ट को ऐसा पिटीशन निकाल कर करना चाहिए कि अगर कोई विधायक इस पार्टी से है और पलटी मार के आज उसमें कर रहा है, उसका सदस्यता 5-10 साल के लिए रद्द कर दे। देखिए सब लाइन पे आ जाएगा, लाइन पे आ जाएगा, सब लाइन पे आ जाएगा। आखिर टूट क्यों रहा है विधायक ऐसे? सबसे बड़ा चीज है भैया पैसा, यहाँ पे आदमी पैसा देख रहा है। यहाँ पे सत्ता नहीं चल रहा है, यहाँ पैसा का खेला हो रहा है। सरकार किसी की भी चले, बस एओ को चाहिए कुर्सी, चाहे वो आ जाए चाहे वो आ जाए, हमको कुर्सी से प्यार है, हमको कुर्सी बचाना है अपना। और एक ठो को आना है बीच के सेंट्रल के गवर्नमेंट में, तो वो अलग पैसा से अपना खेला कर रहा है, ये अपने से यहाँ पे खेला होवे। बंगाल में ममता बनर्जी एक वर्ड बोली थी, खेला होवे, खेला होवे, वो खेला होवे बिहार में दिख रहा है। वही तो बस इस बार, बस इस बार वही तो देखना है कि 2024 में, देखिए 2024 में यूथ डिसाइड करेगा कि किसका गवर्नमेंट होना है। यूथ डिसाइड करेगा, एकदम यूथ को डिसाइड करना होगा। बहुत हो गया एजेड परसेंट लोग, एजेड परसेंट लोग कर क्या रहे हैं? या तो अपने जात को वोट दे रहे हैं, और नहीं तो जाके किसी न किसी एक में पैसा मिल गया, कुछ मिल गया, तो उसमें यूथ को अब डिसाइड करना होगा कि बिहार का दिशा और दशा कहाँ ले जाना है, हम कहाँ है। वी आर नाउ, आप जॉब करने के लिए दिल्ली जाइए, आप जॉब करने के लिए गुजरात जाइए, आप जॉब करने के लिए मुंबई जाइए, वहाँ का वेजेस और बिहार के वेजेस में आप डिसाइड करिए। मैं एक MBA ग्रेजुएट हूँ, मैंने MNC कंपनी में वर्क किया है, आज मैं ओला रैपिडो, मेरा जॉब चला गया तो मैं ओला रैपिडो में काम कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि लड़का को तो भैया पैसा लाना है, किसी भी तरह उसको काम करना है, लेकिन यहाँ गवर्नमेंट को किसी को फिक्र नहीं है कि जनता, जनता उस विधायक को आने वाले चुनाव में जवाब देगी, एकदम जवाब देगी, एकदम जवाब देगी। क्या क्या कहेंगे विधायक जो टूट के दूसरे जगह जा रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं? देखिए उसमें कहाँ कमियां है। सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि जो पार्टी से, जो सिंबल पे चुनाव लड़ा उसी के अनुसार 5 साल उसी में रहे, उसी पार्टी में रहे। 5 साल के चुनाव के बाद आप जाइए पलटिए, चुनाव के पहले नहीं होना चाहिए, चुनाव के पहले नहीं होना चाहिए। ऐसे विधायक को क्या कहना चाहिएगा? सदस्यता रद्द हो जाना चाहिए, तो सही बात है। जनता, आप लोग जो है सिंबल देख करके विधायक को जिताते हैं, पार्टी देख करके वोट देते हैं, लेकिन वही विधायक बाद में पाला बदल के दूसरे जगह चले। वो तो विचार विधायक जी लोग करना चाहिए कि कौन जनता हमको क्या करके, कितना मेहनत करके भेजा है, और अपना ईमान जो है ये लोग
थोड़ा सा लोभ के चलते बेच देते हैं। अब एकरा से बढ़ के और क्या हम कहें, ईमाने बेच देना जनता को, जिसको जो जनता आपको वोट दे के जिताया, थोड़ा सा लोभ आपको दिखाया, लोभ में आप चले गए। तो वैसे विधायक को आप आगे मौका दीजिएगा? हम लोग काहेला मौका देंगे, हम लोग तो भाई जहाँ है तहाँ है ये है, जैसे सब देखिए रहे, समय आएगा तो जवाब देवल जाएगा, नेताजी लोग के खोज खोज के जवाब मिलेगा। विधायक का भी मजबूरी हो जाता है ना, विधायक की मजबूरी है, मजबूरी है, कौन ईडी जांच करवाता है आदमी बताइए, तो नहीं जाएगा तो फिर जांच करवा देगा तो फिर क्या कीजिएगा आप? डर लग रहा है, डर लगेगा नहीं तो आए तो डरेगा नहीं, क्या करेगा, किसको जान का डर नहीं ये बताइए, इतना इतना जांच करा दिया, कितना आदमी अंदर चल गया, उसको विधायक बनकर रहना है तो बनकर रहना है, यहाँ वहाँ कहीं कहीं जाना है उसको, तो डर की विधायक कहा जनता ओकर विचार करेगा, कितना चुनाव होने वाला है और फिर से आरजेडी के विधायक आएंगे, आप सब पत्रकार हैं ठीक, तो आपको ईडी जांच के लिए आपको बोला जाएगा तब भी सट जाइएगा वहीं, समझ गए ना, इसलिए करके आप इसलिए करके हर आदमी डरता है, फिर से चुनाव होगी, फिर से आरजेडी के विधायक आएगी, फिर से मेरा बाप ये है तो बाप यही रहेगा ना, बाप दूसरा बदला नहीं जाता है, इतना जान लीजिए, विश्वास बाप पर जब खतरा है तो बाप को झेलना पड़ेगा, वैसे विधायक पे आप कैसे विश्वास कीजिए, कैसे चुनिएगा की वो विधायक फिर पलाने में, उस समय आएगा तो बताएगा पब्लिक, पब्लिक अपने पूरा टंच है, सब चीज व्यवस्था के साथ है, पब्लिक जो चाहे पब्लिक उसका मालिक है ठीक है ना, और जो आपकी आने वाली चुनाव है ना उसमें जो बताए अभी भैया एक ना, उसमें यूथ काम करेगा, वो यूथ दिखा रही है, अभी जनसभा महारैली निकली है ना, उसमें देख सकते हैं आपकी किस तरह यूथ का है, किसको चाह रही है यूथ ठीक है ना, अभी देखिए 3 तारीख को होने वाली है ना जनसभा रैली, उसमें देखिए क्या है, अभी जहाँ भी तेजस्वी यादव जी गए हैं, जो काम किए हैं, हम जनता ये नहीं चाहती है, जो पहले के जो लोग रहे वो जाति के धर्म के नाम पे वोट बहुत दे लिए हैं ठीक है, लेकिन अब का जो युवा है ना वो जाति धर्म के लिए नहीं, लोग शिक्षित होने जा रहे हैं ठीक है ना, तो उन लोग को रोजगार चाहिए ठीक है, और उस रोजगार के लिए देंगे, अगर जन पलट जा रही है तो उसमें आप विधायक की गलती है, विधायक पहले आती है लोग बोलती है पार्टी में कोई कमी दिख रही है उन लोगों को क्या पार्टी में, देखिए अगर जो पार्टी में तो हमें कमी सब पार्टी में हल्का फुल्का सब में कमी है ठीक है ना, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पे विधायक की पलटने के कारण नीतीश कुमार जी बार बार पलट रहे हैं, पूछिए क्यों पलट रहे हैं, नीतीश कुमार जी ये नहीं चाहते, कभी आप देखें कि नीतीश कुमार पर ईडी और सीबीआई का छापा पड़ा है, कभी देखें या कभी सुने, नहीं पढ़े, लालू जी पे काहे पड़ रहा है, क्योंकि वो नहीं मिल रहे बीजेपी में, वो सारे चीज़ है ना, जो भी अगर बीजेपी में देखिएगा कि जो भी बीजेपी का विधायक हैं वो हैं, उनके पास कुछ भी पकड़ा जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारा सरकार है, सीबीआई हमारा है, ईडी हमारा है, इलेक्शन कमीशन तक हमारा है, इससे बड़ी क्या चीज़ होगा, किसकी डर नहीं है, आप पे अगर कोई छापा मारे तो आप भी पलट सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बात ये है, अभी देखिए ना कहीं अभी देख लीजिए तो वही चीज हो रही है, बिहार में ईडी जांच बंद करवा दिया जाए, कोई भी विधायक का ईडी जांच नहीं करवाया जाए तो एक भी पार्टी का आदमी उधर नहीं जाएगा बता देते हैं, और जांच के डर से विधायक पाला बता तो रहे क्या करेगा तो आदमी, एकदम नहीं हो तो तेजस्वी सरकार का बढ़िया से सरकार बने यहाँ, और भी तो बहुत सारे विधायक है तो वो क्यों पाला बदल रहे हैं, कहे वो तो डर से सब जा रहे हैं, पहले चल गए सर, डर से तो पूछ ही नहीं जा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे विधायक है, सबसे ज्यादा तो आरजेडी के विधायक सब जा रहे हैं, वही चक्कर में जो यहाँ है वो टंच है, जो बदल नहीं रहे हैं वो जान गए हैं कि हमको मरना जीना इन्हीं के साथ, 4 साल पहले यही विधायक जी लोग यही पार्टी अच्छा था तो सब टिकट लिया लोग, अब विधायकी में चुनाव जीता लोग, जनता लोग जीताया, अब ये 3 साल में विधायक मैंने पार्टी खराब हो गया, कहे के मतलब यही ना हुआ, और अपना भविष्य वो लोग देख रहे हैं कि मेरा भविष्य कहाँ है, सेफ है, हर कोई देखता है, तो कहे के मतलब जब समय आएगा तो जनता मालिक है, हिसाब किताब बढ़िया से करे के हाल जानता है, नीतू सिंह है विधायक कांग्रेस की, वो कही है कि अगर भाजपा हमें टिकट देती है लोकसभा का हम भी भाजपा में शामिल हो जाएंगे, काहे नहीं, हर कोई अपना आगे, आपको अगर टिकट मिल जाए एमपी का तो आप ही पत्रकारिता करिएगा, कहिएगा कि हमहू चले एमपीए बने, लोभ किसको नहीं अच्छा लगता, विधायक लोग को प्रलोभन, हाँ प्रलोभन दिया जा रहा है, सबके एमपीए बन जाएगा और सबको कहेगा सपना दिखावेगा कि हम प्रधानमंत्री तरह बना देंगे, जिसे मोदी जी भारत के जनता के सपना दिखाए कि हरेक 14 में कि हरेक आदमी के खाता में भारत के जनता 15 लाख रुपया दे देंगे, तो ओकरा में सब कोई फंस गया तो 10 साल हो गया, कौ आदमी के खाता में गया उस हिसाब से 30 लाख रुपया होता है, 30 लाख रुपया सब कोई के खाता में भेज देवे, 2 करोड़ युवा के रोजगार हर एक साल देंगे, कौ करोड़ के देंगे, वो आप लोग पत्रकार हैं उनसे सवाल करिए कि कौ करोड़ के आज तक ले रोजगार दिए हैं, करोड़ छोड़िए हजारे में आप पूछिए,
कि कितना रोजगार दिए। सवाल है आज का, सवाल है कि जो विधायक को आप चुनते हैं जिस पार्टी के सिंबल पे इलेक्शन लड़ते हैं, जीत जाते हैं लेकिन बाद में वही पाला बदल लेते हैं, वैसे विधायक को क्या कहना चाहिए? देखिए, वैसे विधायक को कुछ कहना नहीं है। सपोज डेट मान लीजिए आप RJD के लालू यादव हैं, आपके परिवारवाद में पार्टी चल रहा, आपके पीछे 50 विधायक है, वो भी तो कुछ उम्मीद से आपके पार्टी में गया है, उसके भी तो बाल बच्चे हो, कुछ पद मिले कुछ मिले, मगर यहाँ पे वो चीज़ नहीं हो रहा। उल्टा यहाँ पर परिवारवाद के चक्कर में जो नेता है वो भी भीतर जा रहा, प्लस विधायकों का भविष्य तो चौपट है। परिवारवाद कहाँ है? परिवारवाद तो आपके RJD में है, RJD कांग्रेस में है। आज ही का रिसेंट न्यूज़ बता रहे ना आप, एक ML गया, जो क्यों गया वो समझ रहा आने वाला समय में RJD का कहानी खत्म है। हम तो आपको उदाहरण दिए ना जी, अगर आप ही अगर विधायक रहिएगा तो आप भी चाहेगा मेरा बच्चा कुछ पद मिले, यहाँ तो वो हो नहीं रहा। लालू जी अपने लड़के को अच्छा पद नहीं मिला विधायक, कैसे उनका और विधायक कोई पद मिला आज तक नहीं मिला? कौन मिला? मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर जो भी है, राबड़ी देवी 9वां फेल है तो भी वही बैठ रहे, और एजुकेटेड नहीं था उनमें क्या? और भी तो पढ़ा लिखा लोग है। मगर इसका कहने का मतलब मेरा ये है कि वो जो विधायक अपना भविष्य देख रहा है कि उसमें हमको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। लेकिन आखिर जिताई तो जनता, अरे जिताई तो क्या हुआ, सिंबल तो RJD का ही था। अरे वो ठीक है, उसको वहाँ से सदस्यता निश्चित कर देगा, उसको दोबारा उसमें शामिल करके फिर उठाया जाएगा। आप जैसे नया क्लास में जा रहे हैं, आपका नाम सब कुछ खत्म कर देंगे। मतलब हमको देखिए जिधर दिख रहा उधर हम अक्सर हमेशा कहते रहे सर, नीतीश कुमार चाहे लालू जी की तरह नाम यहाँ पर कमा सकते थे, जैसे मोदी जी कैसे केंद्र में कमा लिए, यहाँ चाहते तो लालू जी भी कमा सकते थे, जबरदस्त नेता होते यहाँ से, मगर उनको एक ही काम चौपट कर दिया, खाली वो चारा घोटाला वाला और नौकरी जमीन लेकर, ये काम नहीं करते ना तो उनका लड़का का भी इज्जत होता सब जगह। आज उनका एक ही बार खाली इज्जत दे रहा, एक बार क्या कहता, अगर हमको कितनों कुछ कर दे लेकिन उसको हम देंगे खाली एक बार, बाकी तो समझदार लोग कहेगा नहीं, हमको विकसित बिहार चाहिए। भैया को कहना आपको हम इस बात से 1% सहमत नहीं है, क्या कह रहे हैं हम 30% सहमत नहीं है, जो बोल रहे परिवारवाद 9वीं फेल, हमें बताइए कि जो ग्रेजुएट हो MBBS करके कौन सा वैकेंसी दे दिया मोदी जी, हमें ये बताइए। पूरे भारत में 5600 वैकेंसी रेलवे की आ रही है, बिहार में 3 लाख रुपये वैकेंसी आ जा रही है, किस चीज का कौन बोल रहा है कि एक बार का विषय दे रहा है, कौन बोला कि एक बार? ये आपका सवाल गलत है, ये पॉलिटिक्स का बात हो रहा है, विधायकों का बात हो रहा है, ये नौकरी का बात नहीं हुआ। आपका सवाल नौकरी का, वही तो बात है ना, आप बदल रहे हैं एक ट्रैक पे चलिए, पाला बदलने चाहिए ठीक है, लेकिन ये बोले कि जिस तरह की जो 9वीं फेल को परिवारवाद, जिनका परिवार ही नहीं हो परिवारवाद कहाँ से करेंगे, जिनका अपना परिवार चलाने का निजाम का परिवार जिनको नहीं चला देश को क्या चलाएंगे? ये तो देखिए उल्टा जवाब हो गया, इनका मतलब क्या करेगा, इनका भड़ास है, भड़ास नहीं, भड़ास निकालने का नहीं रखता, विदेश जाकर करके आदमी घूमता टहलता है, क्या करेगा? तो आपका गुस्सा बोल रहा है, गुस्सा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बिहार के लिए क्या किया हमको ही बता दीजिए, अरे आप बताइए बिहार के लिए क्या किया? वो क्यों करे, वो केंद्र सरकार है, आपका लालू जी क्या किया, नीतीश कुमार क्या किया? ईडी जांच कराए, वो कराए, आपको घर में बैठने के लिए दीजिएगा, सवाल तो जवाब होवे करेगा सर। चोरी कौन करेगा, कौन चोरी किया? सत्ता में बैठेगा वही नहीं करेगा जी। आज केजरीवाल गड़बड़ कर ले, 4 बार 8 बार गया समन, क्यों नहीं जाता? कहता हमको हटकड़ी मारेगा डर के मारे, अरे हम चोर नहीं रहेंगे। गड़बड़ किया है आप जान रहे, लालू यादव ने किया है, नीतीश कुमार ने किया, कौन नहीं किया? आप कैसे बोल रहे हैं, किस तत्व बोल रहे हैं? हम लोग सुना सुनी नहीं करते, गलत बात है, हम लोग सुना सुनी बात कर रहे हैं, आप निजी बात करते हैं, निजी नहीं सुना सुनी बात कीजिए, सच बात कीजिए। हमको कह रहा है, अगर सब कह रहा है चारा घोटाला, तो कुछ तो सच होगा, तब तो हल्ला हो रहा है, वो जेल भी खटे क्यों फोकट में? सुनिए सर, सुनिए, इतना पावर नहीं है जो विधायक पाला बता, उसमें कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं? कार्रवाई होनी चाहिए, मगर उसका आजाद है, वो भी लोकतंत्र का एक हिस्सा है, उसका मन है कि मैं को यहाँ इज्जत नहीं मिल रहा, दूसरे जाएंगे लोकतंत्र के साथ, हथकड़ी बांध कर। जी जी चलिए, ये तमाम पब्लिक है, पब्लिक है, इनका कहना है कि जो भी विधायक है पाला बदलते हैं, जिस पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़ते हैं बाद में दूसरी पार्टी की सदस्यता ले लेते हैं, वैसे विधायक को जनता जवाब देगी और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तमाम जो आम पब्लिक है, हमने उनसे बात की है, राय विचार उन्होंने दिए हैं, साथ ही साथ उन्होंने परिवारवाद को लेकर भी हमला किया, तो कुछ पब्लिक का ये भी कहना है कि जो जिधर अपना बेनिफिट देखते हैं, फायदा देखते हैं, वो उधर चले जाते हैं। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें।